अब इसके बाद हमारा लेंथी नोड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर था लेंथी नोड कॉन्ट्रैक्शन, नहीं था ना, यहाँ था। तो यहाँ पर साइज छोटे और छोटे होते होते जर्कोनियम की साइज मोनोनियम के बराबर आने लग जाती है। कभी अगर आपसे पूछे क्या यट्रियम की साइज लेंथेनम के बराबर है, बोलो हाँ या ना, नहीं क्यों नहीं, ठीक है। हमारा एक्टिनियम तो लेंथेनम के बाद स्टार्ट हुआ है, उसका फर्क तो हमारा इसके बाद पता पड़ेगा, इसके पहले हमें फर्क नहीं। इसी तरीके से एक्टिनियम में क्या होगा, जर्कोनियम का साइज हॉफमैन के बराबर, और हॉफमैन का साइज किसके इक्वल होगा, रदरफोर्डियम के बराबर है या फिर आरएफ के बराबर, ठीक है। क्यों होगा पता पड़ा, क्यों होगा बोलो, क्योंकि एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट आते हैं, एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट आते हैं उसमें क्या होता है, एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो गया बेटा आपका, छोटा। एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो गया, जब एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो गया तो वो साइज छोटा होता 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 चल जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है बेटा। तुम लोगों में एनर्जी तो लगती नहीं है, एनर्जी नहीं है तुम लोगों में, खा पी के आते हो कि नहीं आते, मजा ही नहीं आ रहा मुझे, मैं बके जा रहा हूँ, बके जा रहा हूँ। बोलो बेटा, नहीं बोलो तो क्लास के बाद, और दूसरा कोई मेरे पास चांस ही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, साइज सारे क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, पक्का पक्का कंफर्म, डन। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया, लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया। आप ये बताओ एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन खतरनाक होगा कि लेंथेनम, मैंने अभी भी बताया ना साइज किसका बड़ा होगा, 5f का कि 4f का, 5f का, जिसका साइज बड़ा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन खतरनाक, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना ये पूरा फिर से पढ़ाने वाला हूँ, और कम से कम पूरे एंड ऑफ द 12 में कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा, तब अगर याद नहीं हुआ तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपको, आप लोग अपने खुद ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। बात क्लियर है, यहाँ तक किसको डाउट है, हो गया खत्म। अब एक और बात है, यहाँ पर मैंने बोरोन लिखा है, एल्यूमिनियम लिखा है, गैलियम लिखा है, इंडियम लिखा है, थेलियम लिखा है, कुछ लिखने का कुछ तो रीज़न होगा, मैं ऐसे तो नहीं लिखा हूँ, लिखा है। अब बताओ एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है, हमने क्या पढ़ा, डाउन टू द ग्रुप क्या होगा, साइज बड़ा होगा, लेकिन उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, बोरोन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, क्यों ऐसा, क्योंकि गैलियम के आगे कौन सी फैमिली है, सेम इसकी तरह गैलियम के आगे कौन सी है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज बड़ा, मतलब डी ब्लॉक डी सबशेल का साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन देखना है जस्ट आगे वाला देखो, इसमें मैंने बड़े प्यार से जस्ट आगे वाला देखा, इसमें बड़े प्यार से जस्ट आगे, याद रहेगा पक्का। चलो इस पॉइंट को याद रखना है आपको, किसी को अगर लिखना हो कोई दूसरे पॉइंट से निकाल निकाल के लिख लो, निकाल निकाल के लिख लो, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स जरूरी है। अगर ठीक नहीं आता तो फिर तो
क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ? पढ़ तो रहा है ना? नहीं पढ़ रहा है ना? पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? अरे जोर से बोलना, खाना क्या है ना? या फिर घर वालों ने भगा दिया अपना खाना? चलो दोनों कर रहा है, पढ़ भी रहा है नहीं भी पढ़ रहा है बेटा। ये कौन सा ऑप्शन है बेटा? बेटा सी ऑप्शन नहीं है, ए बी है इसके अंदर। या तो पढ़ रहा है या तो रिव्यू ऑप्शन नहीं पढ़ रहा है, इसमें ऐसा नहीं बोल। देखो बेटा अभी तक तुमने जो अपना नुकसान किया है वो नुकसान को भूल जाओ, वो उस नुकसान को भूल जाओ। अगर उस नुकसान को पकड़ के बैठोगे तो आगे के चैप्टर सारे नुकसान में जाएंगे। समझ में आ रहा है? मुझे तुम्हारे पिछले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है तुम आगे कर क्या रहे हो। बात समझ में आया? आगे बस इतना करो कि मैं जो बोलूं वो काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ। समझ में आया? रीजन जानते हो अपना दिमाग क्यों नहीं लगाना? बोलो क्यों क्यों नहीं लगाना? हाँ तुम लोगों के पास दिमाग कम है, यही रीजन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बोला है, इतना दिमाग कम है। अपना दिमाग लगाओगे क्वेश्चन गलत करोगे, समझ में? मेरा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन सही करोगे। और ऑर्गेनिक में खास तौर से अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ में आया ये चीज? समझ में आओ और चिंता वाले कोई बात नहीं, मैं और ऑर्गेनिक स्टार्ट से लूँगा। जो चार लेक्चर थे ना वो तो केवल दिखावा था, तुम्हें धोखा दिया। अब समझ में आ गई? अच्छे से मन से समझ में आया? अब एक क्वेश्चन बच गया ना तुम्हारा। कौन सा क्वेश्चन बच गया? एटॉमिक रेट का हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ऐसा है वो ना स्केल से नाप लिया एटॉमिक रेडियस को, कैसे निकलेगा? कैसे निकलता है बताओ? क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं निकाल सकते एटॉमिक रेडियस? क्या हम ये मुझे बताओ, क्या हम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में डिस्टेंस नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं? इसका रीजन क्या है? बेटा अकेला आपको n मिल जाएगा? क्या n आपको अकेला मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। सारे एलिमेंट आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे? समझ में आ रहा है? इसीलिए हम अकेले मेजर नहीं कर सकते। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी आप सारी बातें। चलो ये सारे एक्सेप्शन याद रहेंगे, एक्सेप्शन भी मैंने किया। तुम लोगों ने एक चीज नहीं पूछा, एफ ब्लॉक में क्या होता है सर? एफ ब्लॉक में जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा उसमें भी साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसमें भी साइज क्या होगा? डिक्रीज। और एफ ब्लॉक किस किस को याद है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट किस किस को याद है? कोई बात नहीं, एफ ब्लॉक के याद नहीं है वो, आराम से तुम लोग एक बार देख के आना, देख के आना कितने एलिमेंट है, क्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है? देखो ये चीज है तुम्हारी एटॉमिक टेबल में, तुम्हें अच्छे से बता दी। ठीक है? अब इसमें है एटॉमिक रेडियाई का पार्ट। जो एटॉमिक रेडियाई हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्या हम निकाल सकते हैं एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्या ऐसी बात होगी? क्योंकि हमको क्या, हमको एलिमेंट कौन से फॉर्म में देते हैं? कंबाइंड। नॉट नो नो नो, मतलब सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। क्यों?
केवल एक ही एलिमेंट है जो आपको सिंगल फॉर्म में मिल सकता है, नॉवल दिस, क्योंकि उसका नाम ही इतना खतरनाक है इनर्टिकलेस, तो कंबाइंड फॉर्म में मिलने के चांस उसके कम है, लेकिन वो भी आपको मिलेगा क्योंकि ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की बात है, अब देखो एटॉमिक रेडियस में दो टाइप के रेडियस होते हैं, आयोनिक रेडियस तो किसके बीच होगा, वो आर आयन के बीच। अब कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, अब देखो कोवेलेंट रेडियस रेडियाई में मैंने क्या बोला था, कोवेलेंट रेडियाई में दो पॉइंट मैंने लिखा था ठीक है, दो थे, एक तो होमोटाइप, होमोटाइप मतलब क्या, एक था आपका हेट्रोटाइप था कि नहीं था, होमोटाइप का मतलब ए बी, हेट्रोटाइप का मतलब ए सॉरी होमोटाइप का मतलब ए ए एलिमेंट आपसे जुड़े हैं और हेट्रोटाइप का मतलब ए बी जुड़ा हुआ है, बात क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, होमोटाइप और हेट्रोटाइप में क्या अंतर है, इसमें दो अलग दो सिमिलर एलिमेंट आपस में जुड़े हुए जैसे एन टू ओ टू एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू, समझ में आया, इसमें क्या है एनओ सी ओ, लेकिन दोनों डाई एटॉमिक है बेटा, ट्राई तक बन जा, ट्राई तक बन जा, अब क्या होगा कि क्या देखो इतना तो तुम लोग जानते हो कि क्या इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस होगा, क्या इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा इसमें समझना, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा तो ए एटम का न्यूक्लियाई से इस एटम के न्यूक्लियाई से इस एटम के न्यूक्लियाई तक के डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा और इसी को मैं क्या बोलूँ, एटॉमिक रेडियस। कॉन्सेप्ट क्लियर आया, समझ में आया। कब होगा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, मतलब सिमिलर आइटम होंगे तभी होगा, सिमिलर आइटम होंगे तभी होगा, पक्की बात है। किसको समझ में नहीं आया, ये चीज़ें समझ में आई ठीक है, लेकिन जब मेरा हेट्रो आइटम होगा, हेट्रो आइटम में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम होगी, ये मैंने बनाया ए और ये मैंने बनाया बी, मैंने मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, कुछ मान लेता हूँ ठीक है ना, बात क्लियर है, ए और बी बना लिया तो क्या होगा कि बी की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अभी तक डेफिनेशन क्या है, क्या होता है डेफिनेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ ठीक है, तो अपनी तरफ खींच लेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, जब ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो ये ऐसा हो जाएगा और यहां पर ओवरलैप हो जाएगा, आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे कि देखो इसमें यहां से यहां तक की रेडियाई होगा, मतलब इसी, अब देखो इसको कैसे डील करेंगे, तरीका बताओ, देखो समझना, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना आपको, ये मैंने निकाला, ये मैंने निकाला भाई साहब ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डी, डी बाई टू क्या होगा, रेडियस होगा, डी बाई टू क्या होगा, रेडियस होगा, बात क्लियर है, या फिर इसको बोलेंगे बॉन्ड, तुम लोग बोलना बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ के डी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ ठीक है, डी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ किसी, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ही होगा ना, तो ये बॉन्ड लेंथ होगा, वो आपका हो जाएगा। अब तुम्हारे माइंड में एक नहीं आ रहा तुम्हारे माइंड में कि हम कैसे निकालेंगे बॉन्ड लेंथ, आ रहा है ना कि बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देख बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे मैंने एक एटम ले लिया ए ए एटम, ए ए एटम का अगर मैं हाफ करूंगा तो रेडियस आ जाएगा, तो इसको मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा, ये यहाँ पर ए एटम का रेडियस मैं किससे निकालूंगा, सेम से बी 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 एटम का रेडियस किससे निकालूंगा, बी बी टाइप की मॉलिक्यूल्स बी बी टाइप की, उससे दोनों का रेडियस निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या जाएगा आर ऑफ ए आर ऑफ बी, क्या ये बॉन्ड लेंथ है, नहीं अभी बीच में तो दो वैल्यू तो कुछ वैल्यू गायब हुई ना, ये क्यों गायब हुई, क्यों गायब हुई, क्योंकि इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पर तुम लोगों का दिमाग चलेगा कि सर छोटी वैल्यू आगे रखेंगे तो बड़ी वैल्यू तो यहाँ पर होगा,
ठीक है, आप तुम्हारा दिमाग समझ में आ गया। तो क्या मैंने बोला, बॉन्ड लेंथ कैसे निकाला और बॉन्ड लेंथ कैसे निकाला मैंने, इसका सेम एटम से रेडियाई निकाला, इसका सेम एटम से रेडियाई निकाला, दोनों के रेडियाई को जोड़ा और ये ओवरलैपिंग एरिया को माइनस किया। अरे तुम लोगों ने बचपन में किया था ना, तुम लोगों ने वो एरिया निकाला होगा, तो मतलब सर्कल का वन फोर्थ पार्ट वो हटा दिया, आप बताओ शेडेड एरिया कितना है, कहीं तो किया मैंने, तो क्या किया, समझ में आया। ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों डेवलप हुआ? अब मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, क्या होमो एटम में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है कि हेटरो एटम में? बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होता है, होमो में या हेटरो में? जनरली होमो में होगा ना, क्योंकि हेटरो में तो ये वाला फैक्टर हट ही जाएगा। समझ में आया अच्छे से, क्लियर होगा सर? जनरली बात कर रहा हूँ ना कि 100% जनरली का मतलब ऐसा बोल सकते, क्लियर हो जाता है? इस तरीके से हमने रेडियाई का बात क्लियर है। एक और होता है रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, इसको हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, शोमेकर फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा पूरा रेडियाई के बारे में कंप्लीट, ठीक है, रेडियाई खत्म। अब हम बात करते हैं आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई कैसे निकालते हैं, किस किस को आता है, दिमाग यूज मत करो, सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ वो, कैटायन का रेडियाई छोटा, उसके बाद न्यूट्रल बेचारा, और उसके बाद एनायन, बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, एनायन का बड़ा, न्यूट्रल छोटा, उससे छोटा कैटायन, ठीक है। अब इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम क्या करेंगे, बोलो जल्दी से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम क्या कर रहे हैं, पहले बताओ, पी अपॉन पी एल पी रेशियो का लेंगे, जिसका ई बाई पी बड़ा उसका साइज भी, क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन काटते हैं, दिमाग लगा एच प्लस एच एच माइनस, बताओ किसका साइज बड़ा, अभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, तो जनरली क्या होता है, एच माइनस, ठीक है। आप बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और टू माइनस और टू माइनस एंड थ्री माइनस, और बताओ ना आप लोग, तो बोलो आप लोग भी, तो बोलो बेटा क्यों बोलो बेटा, एक तो आप लोग भी एग्जांपल बता दो, एफ माइनस, अब इसके बाहर नहीं ले सकता, ये तो वहाँ नहीं एन एस, चलो आप बताओ किसका साइज बड़ा, किसका साइज बड़ा, अब ये बताओ क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 10, इसमें 10 होंगे ना, और टू माइनस दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन कितना होता है, दो प्रोटॉन गेन नहीं किया इसने, दो प्रोटॉन गेन किया कि नहीं किया, नहीं क्यों नहीं किया, प्रोटॉन गेन नहीं होता पक्का, चलो प्रोटॉन गेन नहीं होता, यहाँ पर एट आए, यहाँ पर किसका ये अमोनियम का रेशियो बड़ा है, सोडियम एन थ्री माइनस, सोडियम मतलब किसको बोलते थे हम, जब उनकी डेपीपी आती थी तो वहाँ पर ना टीचर्स ने लिखा था वहाँ पर साइड में लिखा हुआ आता था एन ए नहीं, वो वहाँ पर पहले एन ए लिखा हुआ था, बाद में लिखा हुआ अन सोडियम से, तो इसीलिए सोडियम से बात क्लियर हो, ये चीज़ें किसको क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक और क्वेश्चन करोगे पक्का, एक और क्वेश्चन मुझे याद तो नहीं आ रहा वैसे, बना देते हो, हाँ एक बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, ठीक है करें, ओ एफ
O2 माइनस F माइनस, ये तुम लोगों को डीपीपी में मिला होगा। बताओ, अप्रोच बताओ, करो मत, क्या करोगे तुम लोग? इतना जानते हो एनायन का ग्रुप निकालो अलग, न्यूट्रल का ग्रुप निकालो अलग, कौन बड़ा, एनायन बड़ा कि न्यूट्रल बड़ा? तो इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, इसको मान लिया थर्ड, इसको मान लिया फोर्थ। तो ये तो बोल सकते हैं ना, थर्ड एंड फोर्थ इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ कंपेयर कर लो थर्ड और फोर्थ में, बताओ कंपेयर करो थर्ड और फोर्थ में, थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ, हो गया? देन बोलो, देन बताओ इन दोनों में कौन बड़ा? इस तरह जाएंगे तो साइज बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो ऑक्सीजन छोटा या फिर क्लोरीन छोटा? ऑक्सीजन बड़ा। बेटा मैंने छोटा पूछा था, तुम तो बड़ा पूछा। क्या आंसर समझ में आया? कर लोगे आपको? अब आई विल रेडी है, इसका कंप्लीट हो गया अच्छे से। टाइम कितना हुआ? चलो अब चलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये किसी को इसमें कोई कहीं डाउट है तो पूछ लो, कहीं डाउट तो पूछ लो, अभी भी टाइम है। मैं डी पी पी दूंगा, समझना डी पी पी को कैसे सॉल्व करना है, रीजन के साथ एक्सप्लेनेशन साथ में होना चाहिए, और सबसे बड़ा जरूरी पॉइंट क्या है, अपनी डी पी पी आपके सिवा कोई नहीं पढ़ सकता, ऐसा काला कर देना है। ठीक है, आपकी डी पी पी आपके सिवा कोई नहीं पढ़ सके। और मैं कभी भी डी पी पी की बोल रहा हूँ सुमटा, कभी भी मैं कोई सी भी डी पी पी आपको पढ़ के आने के लिए बोल सकता हूँ, इसीलिए डी पी पी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों मालूम है? मैं एक्सप्लेनेटरी जर्नल में इसलिए करने को बोल रहा हूँ, अगर आपने थियरी पढ़ ली है उसके बाद उसको एक्सप्लेन करोगे तो अपने आप आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब ये बताओ एंड ऑफ द एग्जाम, एग्जाम एग्जाम अगर आपके क्लोज आ गए तो क्या आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो? लेकिन डी पी पी के क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करोगे तो अपने आप पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बताओ? आयोनाइजेशन। क्या होता है आयोनाइजेशन, कौन बताएगा डेफिनेशन? कौन बताएगा डेफिनेशन बोलो? तो रिएक्शन कौन सी होगी?
यही तो रूल है, वो वैसे नहीं लगाया हमने माइनस प्लस का रूल है ये। तुम ये सब पढ़ोगे इसको अंडरलाइन करके लिखो साइड में थर्मोडायनेमिक्स, सिमिलर लाइन पढ़ने वाले हो, सिमिलर लाइन, एक लाइन भी हिलने वाला नहीं है यहाँ से वहाँ, चाहे फिजिक्स के लिए पढ़ो चाहे केमिस्ट्री के लिए पढ़ो, ठीक है, एक लाइन भी हिलने वाला नहीं है वर्क डन, तो ये बात दिखा रहे, ठीक है। चलो तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे हम लोग मूव करते हैं। हम क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, बोलो बच्चा, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो, बोलो होगी क्यों अच्छे बच्चे। तो डेफिनेशन सबके सब बोलो, इसने बोला किस किसने सुना था ध्यान से, हेंड्रेस करना किस किसने ध्यान से सुना, तो सब बोलो आप एक साथ, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये बताओ क्या ये एनर्जी मैंने यहाँ से यहाँ रखी, अब ये कौन सा टर्म करेक्ट है, कौन सा टर्म धर्म है वो तो हमारा। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। अब देखो
एक होता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी बदलती जाती है बदलती जाती है बदलती जाती है बदलती जाती है बदलती है ना समझ एम से एम प्लस वन निकाला ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला फिर एम प्लस वन से एक और निकाला एम प्लस टू बना फिर मेरा मन हुआ मैं एक और निकाल लूं तो मैंने एक और निकाल दिया इलेक्ट्रॉन अब इसके बाद मेरा मन बोलो भर गया देखो उधर अब बताओ कि अगर मैंने सुनो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी लगेगी अगर मैंने इसमें से निकाला ठीक है बात क्लियर है अब एक बात बताओ छोटे साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा कि बड़े साइज से छोटे क्यों क्योंकि न्यूक्लियाई बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड करके बहुत खतरनाक तरीके से रखेगा तो छोटे साइज से तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा तो बताओ कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा I3 ज्यादा होगा फिर उसके बाद I कंसेप्ट क्लियर चल ये सब तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर अगर मैंने बोल दिया किसी का I3 ज्यादा है क्वेश्चन ध्यान सुनना किसी का I3 बहुत ज्यादा है ठीक है तो इसका मतलब उसका कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है +2 क्योंकि +2 के बाद में I3 बहुत ज्यादा तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकता इसका मतलब ये क्या हो गया सुनना ध्यान से नोबल गैस जानते हो नोबल गैस का I1 क्या होता है ज्यादा होता है ना क्योंकि वो अपने ही वो खुद क्या होता है स्टेबल होता है I1 किसका ज्यादा होता है जो स्टेबल होता है अब वो सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसका होता है जो स्टेबल होता है अगर मैंने बोल दिया I2 स्टेबल है इसका मतलब बोलो M+1 स्टेबल है ऑक्सीडेशन नंबर +1 स्टेबल है अगर मैंने बोल दिया I3 ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 स्टेबल है बात क्लियर है चलो ठीक है यहां तक किसी को कोई डाउट यहां तक किसी को कोई डाउट इस लाइन को लिख लेना I3 अगर ज्यादा होगा तो M+2 स्टेबल होगा और I2 ज्यादा होगा तो M ठीक है जो भी M+1 पर स्टेबल हो ये बात क्लियर है ये बात क्लियर है और इसके अलावा कुछ बचा है इसके अलावा जो बचा है हम कर दो ठीक है किसी को कुछ कोई डाउट इसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी तो यहाँ तक कल आप लोगों को क्या करके आना बेटा रिवाइज पक्का कर लोगे डन चलो वेरी गुड